ड्यूक 390 इसका बात करेंगे, इसमें कितना वेरिएंट का ऑप्शन आता है। कलर ड्यूक 250 का बात करेंगे, इसमें क्या क्या वेरिएंट, कितना कलर ऑप्शन। ड्यूक 200cc इसमें कलर का देख ले, इसमें दो कलर का ऑप्शन मिलता है, दोनों कलर। RC 200 स्पोर्ट जो न्यूली 2024 में ब्लैक कलर का है, इसका भी हम रिव्यू कर देंगे। हेलो राइडर्स, वेलकम टू आर चैनल द मोटर एक्सपीरियंस। आज हम आपके लिए लाए हैं ड्यूक की तरफ से आने वाले ड्यूक 390, इसका बात करेंगे, इसमें कितना वेरिएंट का ऑप्शन आता है, कितना कलर ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा ड्यूक 250 का बात करेंगे, इसमें क्या क्या वेरिएंट, कितना कलर ऑप्शन मिलता है, उसके अलावा बात करेंगे। ड्यूक 200cc इसमें कलर का देख ले, इसमें दो कलर का ऑप्शन मिलता है, दोनों कलर यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा बात करेंगे RC 200 स्पोर्ट एडिशन में सारा चीज़ का इसमें मेंशन करने वाला है एक ही वीडियो में। इसमें क्या क्या प्राइस आने वाला है, इस गाड़ी में क्या क्या कलर ऑप्शन आने वाला है, इसमें क्या क्या जो भी है सारा चीज़ को हम कवर करने वाले हैं। ऑन रोड प्राइस बात करेंगे, सारा चीज़ टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहे, एक ही वीडियो में आप पूरा का पूरा वीडियो आपको दिखाने वाले हैं। उसके अलावा देख ले RC 125 जो न्यूली 2024 में ब्लैक कलर का है, इसका भी हम रिव्यू कर देंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका प्राइस की बात करते हैं। सबसे पहले ड्यूक 390 का प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस आपको 3,68,000 है, और ड्यूक 250cc का प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस आपको 2,78,000 हो गया। ड्यूक 200cc का बात करें तो इसका प्राइस आपको 2,31,000 है, और RC 200 मोस्टर एडिशन जो आता है इसका, उसका हम बात करें तो इसका प्राइस आपको 2,55,000 है। और आपको सबसे लास्ट में आपको बताते हैं KTM RC 125 2024 का लेटेस्ट गाड़ी आया हुआ है ब्लैक कलर का, इसका प्राइस की बात करें तो 2,19,500 है। स्टार्ट करते हैं ड्यूक 390 का। सबसे पहले इसका फ्रंट देख ले, इसका फ्रंट हैंड असेंबली आप देख कितना मोस्टर वाला प्रोफील देने दे रहा है। LED और DRL के साथ ही इसका लाइट आ जाता है। उसके अलावा इसका बात करें इंडिकेटर, इसका LED इंडिकेटर मिल जाता है। उसके बाद इसको लाइट ऑन करके दिखाते हैं, तो देखिए इसका लाइट आपको कैसा देखने को मिल, देख रहे हैं कितना खतरनाक मिल रहा है। इसका LED लाइट और 250cc का LED लाइट सेम ही देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अलावा बात करते हैं इस गाड़ी का सस्पेंशन का, इसमें सस्पेंशन देखें तो WP-FX कंपनी का सस्पेंशन आ जाता है। उसके अलावा इसमें देखें क्या टाइप का इसका सस्पेंशन आता है, इसको 5 क्लिक इंप्रेशन सस्पेंशन आ जाता है, जो 43mm का इसका डायमीटर आ जाता है। सबसे पहले बात बताएं कि ड्यूक आप कोई भी सीरीज देख ले, सबका सब डायमीटर इसमें 43mm का ही मिलता है। उसका नाम बात करें इसका फ्रंट डिस्क साइज का, तो 320mm का फ्रंट डिस्क साइज मिल जाता है ड्यूअल चैनल ABS का। और क्लेपर की बात करें तो वाइबर क्लेपर के साथ ये बाइक आपको देखने को मिल जाता है। उसका नाम बात करें इसमें कितना कलर का ऑप्शन मिलता है, इसमें दो कलर का ऑप्शन मिल जाता है। एक तो आता है इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज कलर, दूसरा की बात करें तो एटॉनिक ब्लू कलर, जो आप देख रहे हैं एटॉनिक ब्लू कलर है। उसका अलावा बात करेंगे इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल का, तो इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में हमको क्या क्या देखने को मिल जाता है इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल देख ले, इसमें वो हर चीज़ मिलेगा जो आपको चाहिए। साइड स्टैंड लगा हुआ, उसका न्यूटर, टाइम, किलोमीटर, गियर शिफ्टिंग, ABS, इंडिकेटर, हर चीज़ इसमें मिल जाता है। उसका अलावा फंक्शन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, गाड़ी का देख लें यहाँ से चेंज हो रहा है, क्या क्या आपको चाहिए सारा चीज़ें डिलीट वगैरह सारा चीज़ आपको देखने को मिल जा रहा है। राइट हैंडल में बात करें तो इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट बटन, हजार्ड के यहाँ पे स्विच मिल जाता है। उसके अलावा बात करें यहाँ पे आपको इंडिकेटर, हॉर्न देख रहे हैं कितना लाउड दिया गया। उसके बाद फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें इस गाड़ी की, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 15 लीटर का मिल जाता है। एवरेज की बात करें 25 KM का माइलेज मिल जाता है। उसके अलावा बात करते हैं इसका इंजन स्पेसिफिकेशन का, तो इसका इंजन देखेंगे तो आप सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOC S6 FI इंजन के साथ इसका इंजन मिल जाता है। मैक्स पावर की बात करें इस गाड़ी की, तो मैक्स पावर आपको 45 BHP और RPM की देखे तो 8,500 RPM जनरेट करता है। मैक्स टॉर्क की बात करें गाड़ी की, तो मैक्स टॉर्क आपको 39 MPM और RPM की बात करते हैं 6500 का RPM जनरेट करके गाड़ी दे देता है। ड्यूक 250cc इसका वेरिएंट की बात करें तो इसमें सिंगल वेरिएंट के साथ गाड़ी आता है, और कलर ऑप्शन की बात करें इसमें दो कलर का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले कलर का ऑप्शन बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज कलर आता है, और दूसरा आता है क्रीमिक व्हाइट, आप जो कलर देख रहे हैं क्रीमिक व्हाइट कलर है। उसके अलावा इसका सस्पेंशन की बात करें तो ये भी WP-FX कंपनी 43mm डायमीटर का आ जाता है, और ब्रेक सिस्टम की बात करें तो ड्यूअल चैनल ABS के साथ इसका भी ब्रेक आ जाता है वाइबर क्लिपर के साथ। और डिस्क पैनल की बात करें तो डिस्क पैनल इसका 320mm और यहाँ पर आपका रेडिएटर मिल जाता है। उसके अलावा इस गाड़ी को फ्रंट हैंड असेंबली की बात करें तो देख रहे हैं कितना मॉन्स्टर वाला आपको फील करेगा। इंडिकेटर बात करते हैं, LED इंडिकेटर मिल जाता है। उसके अलावा इसका सीट कम्फर्ट की बात करें तो काफ़ी सीट कम्फर्ट अच्छा दिया गया है। इस गाड़ी का सीट हाइट की बात करते हैं, सीट हाइट आप देखें तो 800mm है, जो अच्छा खासा आपको कम्फर्ट मिल जाएगा। उसके अलावा फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात कीजिए तो 15 लीटर का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। माइलेज से बात कीजिएगा इस गाड़ी पर तो 30 का कैम्पेल मिल जाए, टॉप स्पीड 150 आराम से चला जाएगा। इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखिए तो फुली आपको डिजिटल मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगा। उसके अलावा इसे GPS नेविगेशन, उसके अलावा इसको चेंज करने का फंक्शन सारा चीज़ यहाँ से दिया गया, यहाँ से सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं। और बात करें ट्रिप वगैरह सारा चीज़ चेंज होता है यहाँ पर, रियल टाइम इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, लो फील, ABS, न्यूटर, इंडिकेटर, हर चीज़ इसमें मिल जाता है। इंजन किल स्विच, सेल्फ स्टार्ट बटन, फंक्शन हजार्ड का यहाँ पर मिल गया किस, और यहाँ पास लाइट का मिल जाता है, देख लीजिए पास लाइट।
उसके अलावा इंडिकेटर का यहाँ पे हो गया, इसमें जो हॉर्न आपको सिग्नल मिल जाता है। उसके अलावा इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। और इसका सस्पेंशन बात करते थे, इसका सस्पेंशन 250 ड्यू का अब 390 ड्यू का सस्पेंशन देखें तो दोनों का सेमी ड्यू देता है। उसके अलावा बात करें ड्यू 200 RC 1280 का सस्पेंशन उसका सेम मिलता है, बट 250 और ड्यूक 390 का सस्पेंशन देखें तो सेम आता है। सस्पेंशन की बात करते हैं WPFX कंपनी का सस्पेंशन आ जाता है। सस्पेंशन बात करते हैं इसमें 10 स्टेप पर लोड के हिसाब से हो जाता है। उसके अलावा बात करें रियर डिस्क का साइज का तो 240 mm बाइबर क्लपर के साथ इसका आ जाता है। उसके अलावा कम्फर्ट सारा चीज़ आपको बता दें, बहुत अच्छा है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें इंजन 6 गियर बॉक्स मैनुअल मिल जाता है। और इंजन का बात करें इस गाड़ी का, इंजन में आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOSS 5 इंजन मिल जाता है। मैक्स पावर की बात करें गाड़ी पे तो मैक्स पावर आपको इस गाड़ी का 30 BHP। और RPM की बात करें तो इस गाड़ी का RPM आपको 9,250 RPM जॉइंट करके दे देता है। उसके अलावा मैक्स टॉर्क की बात करें तो 25 Nm का मैक्स टॉर्क मिल जाता है। RPM की बात करें तो 7,250 RPM जॉइंट करके दे देता है 200 cc का। सबसे पहले इसका कलर का ऑप्शन बात करें तो इसमें दो कलर ऑप्शन मिल जाता है। एक कलर आपको बताएं तो डार्क सिल्वर मेटालिक कलर है, ये आपको दिखा दें। उसके अलावा बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज ब्लैक कलर का, इसका बात करें तो इसमें 200 cc का इसका इंजन आ जाता है। और सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOSS 5 इंजन आ जाता है। और मैक्स पावर की बात करें गाड़ी का तो मैक्स पावर आपको 25 PS का मिल जाता है, 10,000 RPM जनरेट कर देते हो, अच्छा चीज़ है। उसके अलावा मैक्स टॉर्क की बात करें तो 90.2 Nm और RPM की बात करें तो 8,000 RPM जनरेट करके गाड़ी आपको दे देगा। उसके अलावा बात करें इसका फ्रंट हेड असेंबली से, इस गाड़ी में फ्रंट हेड असेंबली देख ले तो लाइट सेटअप कुछ ऐसा आपको मिल जाता है। LED DRL प्रोजेक्टर मिल जाता है। इंडिकेटर बात करें तो LED मिल जाता है। उसके अलावा सस्पेंशन की बात करें तो इस गाड़ी का फ्रंट सस्पेंशन आपको WPFX कंपनी का बताई भी किए कि सारा कंपनी का सेमी सेम सस्पेंशन मिल जाता है। और डायमीटर आपको वही है 43 mm। उसके अलावा इसका बात करें तो ड्यूअल चैनल ABS इसमें मिल जाता है। और डिस्क साइज की बात करें तो 300 mm डिस्क साइज मिल जाता है। रियर डिस्क की बात करें तो 230 mm रियर डिस्क मिल जाता है। और इस गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 13.4 लीटर। और स्टोबर्ड कंसोल आपको दिखाएं तो इसे स्टोबर्ड कंसोल कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा फंक्शन इसमें दिया जाता है, यहाँ से आप वगैरह चेंज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे हाई लो बीम इंडिकेटर हॉर्न और यहाँ इंजन के स्विच सेल्फ स्टार्ट बटन और इसमें हजार आपको देखने को नहीं मिलता है। सीसी का बात करते थे, इसमें वेरिएंट की बात करें तो इसमें दो वेरिएंट आपको मिल जाता है। एक मिल जाता है GP एडिशन, जो आप GP एडिशन देख रहे हैं, और एक मिल जाता है इसमें और स्टैंडर्ड। इसमें कलर का ऑप्शन बात करें तो इसमें 3 कलर का ऑप्शन मिल जाता है। आप जो कलर देख रहे हैं ये आपको GP एडिशन कलर है। इसमें दो कलर और आता है जिसका बात करें तो ब्लू ब्लैक, जो ब्लैक आपको 2024 में अपडेट होने के बाद आई हुई है, उसका कलर हम आपको दिखाएंगे बाद में। उसके अलावा बात करते हैं इस गाड़ी का फ्रंट हेड असेंबली का, तो फ्रंट हेड असेंबली देख लिया कुछ ऐसा आपको ब्लैक कलर मिल जाता है। और लाइट की बात करें तो LED प्रोजेक्टर DRL सारा चीज़ मिल जाता है। और इस गाड़ी का फ्रंट सस्पेंशन का बात करें तो फ्रंट सस्पेंशन आपको WPFX का 43 mm का डायमीटर मिल जाता है। डिस्क पैनल का बात करें तो फ्रंट डिस्क आपको 320 mm और ड्यूअल चैनल ABS के साथ आ जाता है। उसके अलावा रियर डिस्क की बात करें तो इसमें 230 mm पे इसका रियर डिस्क मिल जाता है। और सस्पेंशन की बात करें तो मोनोसब सस्पेंशन WPFX कंपनी का आ जाता है। सीट हाइट की बात करें तो इसका सीट हाइट 835 mm का मिल जाता है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, इस गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13.7 लीटर आ जाता है। माइलेज इस पर 40 km मिल जाएगा। उसके अलावा इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको दिखा सकते थे, बट अभी इसका मीटर कनेक्शन नहीं हुआ तो उसके लिए हमने सॉरी। उसके अलावा गाड़ी का आपका इंजन कैपेसिटी की बात कर दें तो इसका इंजन कैपेसिटी आपको इस गाड़ी का सिंगल सिलेंडर में मिल जाता है। मैक्स पावर इस गाड़ी की बात कीजिएगा तो 24 BHP। 2024 में अपडेट होकर आई हुई है। इसका ब्लैक कलर आपको दिखा रहा है, ग्लोसी ब्लैक है। और इसका फ्रंट देख लें, ग्लोसी ब्लैक आ रहा है। लाइट देख लें, इसमें तो हैलोजन लाइट मिल जाता है। DRL LED प्रोजेक्टर सारा चीज मिल जाता है। उसके अलावा इसका फ्यूल टैंक पर देख लें तो ड्यूअल सेट मिल जाता है, ग्लोसी ब्लैक और मैट ब्लैक। उसके अलावा इस गाड़ी का बात करें तो इसमें एक वेरिएंट आता है, कलर ऑप्शन दो मिल जाता है, ब्लैक ब्लू। और फ्रंट सस्पेंशन आपका बात करें तो फ्रंट सस्पेंशन WPFX कंपनी का 43 mm आ जाता है। डिस्क पैनल की बात करें तो 320 mm ड्यूअल चैनल ABS के साथ। रियर सस्पेंशन की बात करें तो WPFX का रियर सस्पेंशन मिल जाता है मोनोशॉक। और रियर ब्रेक बात करें तो 230 mm का बाइबर कैलिपर के साथ आ जाता है। उसके अलावा अलाउंस बात करें 17 इंच का अलाउंस मिल जाता है। सीट हाइट की बात करें तो 824 mm। और गाड़ी का टोटल वेट की बात कीजिएगा तो 160 kg। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, इस गाड़ी का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 13.7 लीटर का मिल जाता है। माइलेज इस पर आपको 37 km मिल जाता है। टॉप स्पीड 120 आराम से चला जाएगा। उसके अलावा इसकी बात करें इंस्ट्रूमेंट कंसोल का, तो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको हम दिखाते हैं। LCD डिस्प्ले आ जाता है, फुल डिजिटल हर चीज़ यहाँ से आपको मिल जाएगा चेंज करने के लिए। यहाँ पर इंजन का स्विच, उसके अलावा सेल्फ स्टार्ट बटन, हाई लो बीम इंडिकेटर और इसमें डबल हॉर्न मिलता है, पास लाइट हो गया। उसके अलावा बात करें इस गाड़ी का
इंजन का, जिसमें इंजन आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड यूएसएस एफआई इंजन बी एस सिक्स फेज वाला आ रहा है। मैक्स पावर की बात करें तो 14.3 bhp 9250 rpm जनरेट करता है। मैक्स टॉर्क की बात करते हैं 12 Nm 8000 rpm जनरेट करके गाड़ी आपको देता है। सारा बाइक रिव्यू कर दिया, ड्यूक 390, ड्यूक 250, ड्यूक 200, आरसी 200 और आरसी 125। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। इसमें इसका प्राइस वगैरह, कलर ऑप्शन, सारा चीज़, वेरियंट, सारा टॉपिक हम कवर कर दिए हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए हमारे चैनल द मोटर शो। तब तक के लिए बाय बाय।